आज के इस वीडियो में आप सभी को ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस की जो GDS वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो यहां पे ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म आप ऑनलाइन किस प्रकार से भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फॉर्म वो फोटो किस प्रकार से अपलोड करेंगे, फीस का भुगतान किस प्रकार से करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आपको डिटेल निकालनी है कि कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो नया आवेदन करने के लिए यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन पे आपको जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं और वैलिडेट मोबाइल फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। OTP नंबर भेजे जाएंगे, वह यहाँ पे डालने हैं और सबमिट पे क्लिक करना है, मोबाइल फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार से ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे, एक OTP नंबर भेजे जाएंगे ईमेल आईडी पे, वह यहाँ पे डाल के सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे और ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 10वीं की अंक तालिका के अकॉर्डिंग आवेदक का नाम यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे 10वीं की अंक तालिका के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद फादर्स का नाम यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद जेंडर यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे कम्युनिटी है तो ये अनरिजर्व है, EWS OBC ST SC जिस भी कैटेगरी में है वो लिखना है, फिर कौन से सर्कल से यहाँ पे 10वीं पास की हैं, कौन से ईयर के अंदर 10वीं कम्प्लीट की हैं, ये यहाँ पे 9 नंबर पॉइंट के अंदर लेना है, 10 नंबर पॉइंट के अंदर कैप्सा कोड डालने हैं और ये डिटेल इस प्रकार से कम्प्लीटली फिलअप कर लेनी है 10वीं के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आपको अगला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने हैं, डिसेबल है तो यस लेना है वरना फिर नो लेना है। यस लेंगे तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और यहाँ पे PWD कैटेगरी आपको लेनी होगी। 10वीं के अंदर कौन सी लैंग्वेज आपने पढ़ी है उन लैंग्वेज का सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक करके करना है। एक से अधिक लैंग्वेज पढ़ी है तो उन सभी लैंग्वेज यहाँ पे इस प्रकार से टिक करेंगे और उसके बाद अंत में ओके पे क्लिक करें। उसके बाद लैंग्वेज का सिलेक्शन करने के बाद अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं तो यस लेना है और डिटेल पढ़नी है, कहाँ पे आपका NOC अवेलेबल है या फिर नहीं, जहाँ से आप पहले से जॉब कर रहे हैं। उसके बाद 50 KB साइज़ के अंदर 200 DPI का पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, लेटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने 20 KB और 200 DPI के अंदर, ये सभी होने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही प्रीव्यू दिखाई देगा जिसकी जांच कर लेंगे डिटेल सही आई या फिर नहीं आई। उसके बाद डिटेल सही होने की दशा में यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अप्लाई पे। उसके बाद यहाँ पे कौन से सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हैं वो सर्कल लेना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, एक OTP नंबर भेजे जाएंगे, जो मोबाइल फ़ोन नंबर आपने दिए थे वो OTP नंबर यहाँ पे डालने हैं, ये कैप्सा कोड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस वाले भाग के अंदर आपके पास कम्युनिकेशन व परमानेंट एड्रेस मांगा जाएगा। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन एड्रेस आपका क्या है, तो डोर हाउस या अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल के ये एड्रेस कंप्लीट कर लेंगे। एड्रेस कंप्लीट लिखने के बाद परमानेंट एड्रेस व कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। उसके बाद 10वीं कौन से बोर्ड से कौन से ईयर के अंदर पास की थी तो यहाँ से आपको ले लेना है। तो यहाँ पे बोर्ड भी आएगा और अलग अलग ईयर ऑप्शन आएगा कि 2019 से 21 तक, 2012 से अभी तक, तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन आपको लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिया 2012 से स्टिल नाउ तक लिया, इसी प्रकार से लेंगे। फिर मार्क वाला ऑप्शन अगर है तो मार्क लेंगे, फिर इंग्लिश के अंदर जो भी है, जैसे ही आपने बोर्ड लिया उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो इंग्लिश के अंदर आपके कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे वह लिखना है, फिर हिंदी में कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वह प्राप्तांक यहाँ पे लिखना है, मैथ्स के अंदर लिखना है, फिर साइंस के अंदर, फिर सोशल साइंस के अंदर, तो जो भी नंबर आपको प्राप्त हुए हैं वो एक एक करके आप कंप्लीटली इस वाले भाग के अंदर फिलअप कर लेंगे। सभी नंबर फिलअप हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो थर्ड लैंग्वेज होती है, जो हमारे यहाँ 10वीं बोर्ड के अंदर संस्कृत होती है, तो संस्कृत लेना है और संस्कृत के अंदर कितने नंबर प्राप्त किए वो ले लेना है। CGPA अगर है तो ले लेना, वरना फिर ब्लैंक छोड़ देंगे। ये जब को जिसको लागू होता है उन्हीं को CGPA स्कोर बढ़ना है, दूसरों को बढ़ने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कौन से डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी डिवीजन आ जाएंगे, जो स्टेट लिया है उसके अकॉर्डिंग, तो उस डिवीजन का सिलेक्ट करेंगे जिस डिवीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे डिवीजन पे आप क्लिक करेंगे तो उस डिवीजन के अंदर जहाँ जहाँ पे खाली पोस्ट अवेलेबल हैं वो सभी डिटेल आ जाएगी। तो इन्हीं सभी जितने भी आई हैं उन सभी को वरीयता देनी है कि सबसे पहले आपको
कहाँ पे नौकरी दी जाए, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो वरीयता देनी है तो फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले यहाँ पे लेना है तो एक नंबर वरीयता दूंगा, उसके बाद दूसरे पे जहाँ पे लेना है उसको दो नंबर वरीयता दूंगा, तीसरे पे लेना है वहाँ पे तीन नंबर दूंगा। एक एक करके जितने भी हैं सभी को वरीयता देना अनिवार्य है। यहाँ पे अलग अलग पेज आएंगे, पेज के अंदर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक करके और एक एक करके ये वरीयता सभी के अंदर आप फिलअप कर लेंगे, जैसे कि मैं अभी फिलअप कर रहा हूँ। ये सभी फिलअप करना अनिवार्य है, ये सभी फिलअप हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, अभी आपको फास्ट करके बता रहा हूँ। तो एक बार कम्प्लीटली ये डिटेल फिलअप हो गई पोस्ट के बारे में, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं जो वरीयता दे रहे हैं वो वरीयता कम्प्लीट हो गई, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे कम्प्लीट हो चुकी है, अब मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा, फिर मैं अंत में जाऊँगा, सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करूँगा, इस प्रकार से मैसेज आएगा, ओके बटन प्रेस करूँगा, एक और मैसेज आएगा, ओके बटन प्रेस करूँगा। अगर यहाँ पे कोई फ्री के लिए एलिजिबल है तो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, अगर फ्री के लिए एलिजिबल नहीं है उसकी फीस की पेमेंट करने की जरूरत है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये आता है तो वो अमाउंट भी बता देगा और आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करके बड़े ही आसानी से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे, जहां पे अलग अलग सभी प्रकार के पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे आसान है क्यूआर कोड, तो मैं भीम यूपीआई क्यूआर कोड का ले लेता हूं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा अपने मोबाइल के अंदर और पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मैं बैक चला जाऊंगा और इस प्रकार से जो आवेदन किया है वो फॉर्म दिखाई देने लग जाएगा। तो कंट्रोल पी प्रेस करके या फिर ड्रैग करते हुए अंत में जाऊंगा तो प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके इसकी प्रिंटआउट निकाल दूंगा। यह तरीका था फॉर्म भरने का। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, जिससे कि ऑनलाइन वैकेंसी के फॉर्म भरने के ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो बाय बाय।